नमस्कार दर्शक मित्रों, धर्मलीक चैनल पर आपका स्वागत है। रावण, दशानन, लंकापति, इन्हीं कुछ नामों से रावण को जाना जाता है। रावण लंका का राजा था, जहां असुरों का राज था। श्री राम रावण युद्ध के अंत में रावण वध के बाद रावण अपने जीवन के अंतिम क्षण में लक्ष्मण को ज्ञान दे रहे हैं। इसी धर्म ज्ञान की प्रमुख बातों की आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो धर्मलीक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहा जाता है कि रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। शिवजी की तपस्या से रावण ने बहुत से शास्त्र और वरदान प्राप्त किए थे, जिसमें से एक था अमर होने का वरदान। परंतु तब भी श्री राम ने रावण का वध किया। यह कथा रावण के वध के समय की है, जब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने को कहा। जब लक्ष्मण रावण के पास पहुँचे और कहा कि उनके भाई राम ने उन्हें ज्ञान लेने के लिए भेजा है, तो रावण ने कुछ ना कहा। इसे रावण का अहंकार समझकर लक्ष्मण जी श्री राम के पास लौट आए और कहा कि रावण ने कुछ नहीं कहा। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि जिस समय तुम रावण से ज्ञान लेने गए थे, उस समय वो तुम्हारे गुरु थे और गुरु के सदैव चरणों के पास रहना चाहिए, जबकि तुम रावण के शीश के पास खड़े थे। लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोबारा रावण के पास गए। उन्होंने रावण से क्षमा मांगी। तब रावण ने उन्हें जीवन की 5 ऐसी सीख दी, जिसका शायद खुद रावण को अपने अंतिम समय में एहसास हुआ। तो आइए देखते हैं रावण द्वारा लक्ष्मण को बताई गई 5 बातें। पहली बात, जो कार्य गलत या अशुभ हो उसे अंतिम में ही करना चाहिए और अच्छे कार्यों को बिना सोचे जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, अपने दुश्मन को कभी कम मत समझो। भले ही आप हर समय जीत रहे हो, आपको अपने दुश्मन के हमले के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा आपकी कमजोरी पर ही वार करेगा। रावण ने श्री राम और उनकी वानर सेना को अपनी शक्तियों के आगे छोटा समझा और वो हार गया। तीसरी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान के भक्त हैं या उनसे नफरत करते हैं, जो भी हो पर वो अपार और दृढ़ होना चाहिए। यदि आप भगवान के भक्त हैं तो अपार और दृढ़ता से भक्ति करें, या नफरत करते हैं तो वो भी अपार और दृढ़ होनी चाहिए। चौथी बात, अपना रहस्य किसी को ना बताएं और अपनी कमजोरी तो बिल्कुल भी नहीं, यह कहीं न कहीं आपके लिए नुकसान का सौदा बन सकता है। रावण ने अपने भाई विभीषण को अपनी मृत्यु का राज बताया था, जो कि रावण के जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पांचवी बात, अपने साथ काम करने वाले या आपके लिए काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति कभी कठोरता या शत्रुता न करें, वे कभी भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। उनकी यह 5 सलाह न केवल लक्ष्मण के लिए थी, अपितु हम सभी के लिए है। रावण में चाहे कितनी भी बुराइयां हों और उन्होंने कितनी भी गलतियां की हों, परंतु जब जब ज्ञानी और सिद्ध व्यक्तियों की बात होगी तो रावण का नाम वहां जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं अपने प्रियजनों से शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।